बारे में बताने जा रहा हूं। ये बिलिश कोर्स जो है गरीब बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार में अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो महंगे महंगे कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। आजकल के देखिए कमीशन बहुत ज्यादा टफ होते जा रहा है, और इस दौर में कोई ना कोई टेक्निकल हैंड बहुत ही जरूरी है। अब देखिए कि बीएड हो गया या डीएलएड कोर्स हो गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम सीट होती है, बट वो सभी बच्चों के एडमिशन ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। और प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे फीस होते हैं, बहुत ज्यादा फीस होते हैं, बट वो गरीब परिवार के बच्चे वो कोर्स कर नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है, उनका प्रतिभा कुंठित होने लगता है। आज देखिए बहुत सारे टीचर बन गए, जिनके पास जो सामर्थ्यवान लोग सब थे, वो डिग्री लेकर रखा था, तो आज वो लोग टीचर बन गए हैं। लेकिन उससे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे सब, जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, वो सब बच्चे बाहर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अगर वो बच्चे हैं तो आप लोग बिलिश कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स का ज्यादा फीस नहीं है, समथिंग 10,000 के आसपास फीस है। किसी जैसे इग्नू में 10-11 हजार के समथिंग फीस होगा, और फिर नालंदा ओपन की बात करूँ तो यहाँ उससे कम फीस है। ये 1 ईयर का कोर्स होता है, जो बच्चे स्नातक कर लिए होंगे, और स्नातक करने के बाद ये डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड दोनों से होता है। तो आप लोग डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, जैसे इग्नू का भी निकला हुआ है, और इग्नू से आप कोर्स कर लेते हैं तो ये तो कहीं भी वैलिड है, या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है, या फिर अन्य तमाम यूनिवर्सिटियां जो है वो डिस्टेंस मोड से भी करवाती है और रेगुलर मोड से भी करवाती है। तो ये बिलिश कोर्स कर लेने के बाद अब देखिए बिहार सरकार या अन्य तमाम एजेंसियां, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, या अन्य बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जो होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, तो तमाम जगह पे बहाली होती है। और जो बच्चे बिलिश कोर्स किए रहते हैं वो वही बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए बेहतर मौका है, और जहां से भी हो, आप लोग जैसे संभव हो, आप लोग बिलिश कोर्स कर लीजिए। और बिलिश कोर्स करने के बाद जैसे वैकेंसी आएगी, बिहार में काफी वैकेंसी आने वाली है। अभी देखिए बिहार में टीचिंग सेक्टर में बहाली हो चुकी है, और बहाली चल ही रही है, और हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी की मेंटेनेंस करने के लिए लाइब्रेरियन होती है, और लाइब्रेरियन की बहाली निश्चित तौर पे होनी है। तो जिन बच्चों के पास बिलिश का कोर्स होगा वो निश्चित तौर पे वही इलिजिबल होंगे। देखिए कोई भी डिग्री हमारा गेट पास होता है, जब तक आप लोगों के पास डिग्री नहीं होगा तब तक आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, और आप लोगों के रामबाण साबित होने वाला, खास करके जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे सामर्थ्यवान नहीं है। 10,000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप इधर उधर से खुद अर्न करके भी आप ये कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, साल में 2 बार निकलती है, इग्नू जैसे जनवरी में निकाला है, फिर जुलाई में निकाला। जिन बच्चों का स्नातक हो चुका है वो बच्चे अभी एडमिशन ले सकते हैं, और जिन बच्चों का स्नातक नहीं हुआ है फिर जुलाई सेशन में आएगा, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं रेगुलर मोड में करवाती है, आप वहां कर सकते हैं। रेगुलर मोड में प्रॉब्लम यह होता है कि आपको क्लास करना पड़ेगा, और डिस्टेंस मोड में आप एडमिशन ले लेते हैं ऑनलाइन। अभी इग्नू का ऑनलाइन एडमिशन चल रहा, ऑनलाइन एडमिशन करवा लीजिए, और आपको स्टडी सेंटर में पर बुक मिल जाएगा, और आप बुक्स को पढ़िए और जाके एग्जाम देना। और इसमें यह सुविधा है कि आप जहां चाहे मन चाहे स्थान पर आप स्टडी सेंटर भी ले सकते हैं। जैसे आप एडमिशन करवा लिए पटना में, आप एग्जाम देना चाहें भोपाल में, आप भोपाल में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इग्नू के बारे में, सॉरी बिलिश के बारे में बताया जाए, बिलिश से फायदा क्या होता है, बिलिश में एडमिशन कैसे हो पाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत सारी ज्यादा उसका पैसा लेती है, लेकिन आप लोग इग्नू से करवाते हैं तो बहुत कम में हो जाएगा। थैंक यू।